हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे वन प्लस नोट सीई में और एम आर रेडमी के 20 प्रो में और देखते हैं कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो बात करते हैं डिस्प्ले से। वन प्लस की है 6.43 इंच की रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल और स्क्रीन फ्लूड एमोलेड डिस्प्ले। और एम आई की जो डिस्प्ले है वो है 6.39 इंच की रेजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल और स्क्रीन एमोलेड डिस्प्ले। और वन प्लस में आपको 19 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है और डिस्प्ले क्वालिटी में वन प्लस बेस्ट है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो वन प्लस का है स्नैपड्रैगन का 750G का सी पी यू 2.2 GHz ऑक्टेकोर का और 8 नैनोमीटर्स का फिनफैट। और एम आई का जो प्रोसेसर उस स्नैपड्रैगन का है 855 का और सी पी यू 2.84 GHz ऑक्टेकोर का और 7 नैनोमीटर्स का फिनफैट। और प्रोसेसर के मामले में एम आई बेस्ट है। बात करते हैं बैक कैमरे की, वन प्लस का है ट्रिपल जो मेन कैपेसिटी फॉर्मेशन का, फिर 8 का फिर 2 का। एम आई का है क्वाड में जो मेन है 48 का, फिर 13 का और फिर 8 का। बात की जाए फ्रंट कैमरे की, वन प्लस में है 16 का और एम आई का है 20 का। एम आई का फ्रंट कैमरा है पॉप कैमरे के रूप में। और बात करते हैं बैटरी की, तो वन प्लस में ही 4500 mAh की, एम आई में ही 4000 mAh की। और दोनों फ़ोन की बैटरी नॉर्मल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। बात की जाए चार्जर की, वन प्लस में 30 वाट का, एम आई में 27 वाट का। दोनों में टाइप्स का स्पोर्ट है, दोनों में आपको डुअल सिम मिलते हैं और फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक भी दोनों फ़ोन में मिल जाता है। और दोनों में आपको फ्रंट भी ग्लास है। और वन प्लस में रैम है 6GB 8GB और 12GB की, एम आई में 6GB 8GB की। और वन प्लस की मेमोरी है 64GB 128GB 256GB की, एम आई में 128GB 256GB की। वन प्लस में आपको नोट 11 मिलता है। बात करते हैं प्राइस की, तो वन प्लस का स्टार्टिंग है 22,999 रुपये और एम आई का स्टार्टिंग है 24,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।